यूपी लाइव टीवी। गत वर्ष बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुए बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील और सपा के रामपुर से सांसद आजम खान को लेकर पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभल एसडीएम राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर कफील और आजम खान की रिहाई हो, और साथ ही पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर कफील और आजम खान की रिहाई के लिए पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राजेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मौजूदा हालात में कोरोना का प्रकोप है, उसमें लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को डॉक्टर कफील को और पूर्व काबीना मंत्री और मौजूदा सांसद आजम खान को भी जेल से रिहा करना चाहिए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल रखा है। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जब तक इन बेगुनाहों की आज़ादी नहीं हो जाती, तब तक पीस पार्टी का ये जन आंदोलन जारी रहेगा। आए हैं राज्यपाल महोदय को संबोधित के इसी देश में बीजेपी की जो जालिम सरकार है, जो जुल्म ढा रही है उन लोगों पर, जो हमारे सम्मानित लोग हैं आजम खान जो सांसद हैं, उन्हें जो है क्या इसकी सजा दी गई कि उन्होंने जो है जौहर यूनिवर्सिटी दी और हजारों लोगों को, लाखों लोगों के हाथ में कलम दिया देश को जो है ऊंचा करने के लिए, देश के नाम को ऊंचा करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, उनकी बीवी को गिरफ्तार किया, बकरी चोरी और भैंस चोरी के इल्ज़ाम में, 2 बीघे जमीन के इल्ज़ाम में, ऐसे सम्मान डॉक्टर, वो डॉक्टर कफील जिसने हजार हाँ लोगों की जान अपनी जो है बचाई और जो है उसको हॉस्पिटल में जब जिस वक्त में अपने उसके जो है गोरखपुर हॉस्पिटल में जब बच्चों की जान बचाई, उस आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया इस कोरोना महामारी के दौर में, जहां हजारों लोगों की डॉक्टर कफील द्वारा जो है जान बचाई जा सकती थी। जो इसी तरीके से अनवर उस्मान हजार हाँ लोगों को हमारे इस देश में आप हैरत करेंगे। हैरत की बात यह है कि ऐसे प्रोफेसर आनंद तुमड़े जैसे लोगों को, जिन्होंने 30 किताबें लिखी, जिन्होंने 30 किताबें जो गरीबों की आवाज़ बना करते थे, ऐसे लोगों को जब जेल में डाल दिया जाएगा तो इस देश का क्या होगा? इस देश का क्या? यहाँ के जो है भाईचारे को, यहाँ की जो है तरक्की को बीजेपी सरकार जो है रोकने का काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, हम उसकी घोर निंदा करते हैं।